अभी तक देखिए कई सारी फॉर्मेशन हम आप लोगों को बता चुके हैं। ग्रुप में भी हमने मैसेज भी आप लोगों को किया था। रेक्स लाइन फॉर्मेशन के ऊपर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, जिसका कि यूज़ बेसिकली 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर होता है। और ये इतनी ज़्यादा इफेक्टिव फॉर्मेशन है, अगर सही जगह पर इस फॉर्मेशन को आपने देखना स्टार्ट कर दिया और इसके ऑब्जर्वेशन कायदे से अगर कर लेना, तो बहुत अच्छा एक तरह से मूवमेंट इस फॉर्मेशन के थ्रू आपको देखने को मिल जाएगा। चाहे कोई स्टॉक हो, निफ्टी करना है, बैंक निफ्टी करना है, स्टॉक में काम करना है, फॉरेक्स क्रिप्टो, कुछ भी किसी भी फॉर्मेशन में लगा दो, बहुत आराम से और इत्मीनान के साथ समझना है, कुछ जल्दबाजी नहीं है। इसकी रिकॉर्डिंग भी हम आप लोगों को दे देंगे। कल हमने आप लोगों को एक फॉर्मेशन बताई थी, ये डेली टाइम फ्रेम की वो फॉर्मेशन है जिसका यूज़ हम बेसिकली करते हैं। ये क्योंकि हायर टाइम फ्रेम की फॉर्मेशन है और इसी के साथ में हमारे पास हमारी लोअर टाइम फ्रेम फॉर्मेशन। ये जो फॉर्मेशन अभी जो हम आपको बताएंगे रेक्सलन फॉर्मेशन, ये लोअर टाइम फ्रेम की है और इसका भी जो यूज़ हम करते हैं वो विदाउट वॉल्यूम यूज़ होता है। ये दोनों फॉर्मेशन है जिसका यूज़ हम लोग विदाउट वॉल्यूम करते हैं। विदाउट वॉल्यूम फॉर्मेशन यूज़ की ही क्यों जाती है, इनका क्या क्या ज़रूरत है? अभी के प्रोस्पेक्टिव से अगर आप देखोगे तो या तो निफ्टी हो, अब इनमें वॉल्यूम्स शो करती हैं, शो होने लग गई हैं वॉल्यूम्स। वरना पहले अगर हम चार्ट्स ओपन करते थे, नेकेड चार्ट जो स्पॉट प्राइस है अपना, वो जब ओपन करते थे तो उनमें वॉल्यूम्स नहीं होती थी, वो विदाउट वॉल्यूम्स होता था। विदाउट वॉल्यूम्स अगर हमें वॉल्यूम्स देखनी होती थी तो निफ्टी या बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स के चार्ट ओपन करते थे, वहां पर हम लोगों को वॉल्यूम शो होती थी। तो क्योंकि वहां पर हमें वॉल्यूम्स नहीं दिखती थी, इस वजह से हम लोग विदाउट वॉल्यूम फॉर्मेशंस की हेल्प से उन्हें रीड करते थे। दूसरी चीज है सेक्टर। जब सेक्टर्स की रीडिंग की जाती है ना, तो वहां पर भी वॉल्यूम आप देखोगे कि नहीं शो होते हैं, ट्रेडिंग ऊपर भी शो नहीं हो रही है। सेक्टोरियल एनालिसिस जब हम लोगों को करनी होती है तो वहां पर भी हमें ऐसी फॉर्मेशन चाहिए होती हैं जो कि विदाउट वॉल्यूम्स हों। विदाउट इनसे हमें हेल्प मिलती है प्राइस के अंदर अपने एक्शंस डिफाइंड करने की, जो प्लेसेस होती है उसको फाइंड करने के लिए। ये भी लोअर टाइम फ्रेम पर और हायर टाइम फ्रेम पर दोनों। आज जो फॉर्मेशन हम आपको बताएंगे बेसिकली ये है अपनी रेक्स लाइन फॉर्मेशन। इसके अपने कुछ रूल्स होते हैं, रूल्स इन द सेंस के ये जो फॉर्मेशन होती है टोटल तीन कैंडल से मिलकर के बनती है। इस फॉर्मेशन में सिर्फ तीन कैंडल्स होंगे। आप सबसे पहली कैंडल आपकी होती है रेड, फर्स्ट कैंडल, ये रेड कैंडल बनेगी। सेकंड कैंडल जो होगी रेड और ग्रीन, कैसी भी हो सकती चलेगा, कोई इसके अंदर वो नहीं है, ठीक है। फर्स्ट कैंडल अपनी रेड, सेकेंड कैंडल हमारी रेड या ग्रीन कैसी भी हो सकती है, बट इसके अंदर एक जो कंपल्सरी होता है कि वो चीज़ होनी चाहिए, दैट इज रिजेक्शंस कंपल्सरी होते हैं। थर्ड कैंडल हमारी ग्रीन होती है। इसका जो टाइम फ्रेम होता है वो होगा, टाइम फ्रेम इस फॉर्मेशन के अंदर हम जो जो यूज़ करते हैं वो होगा 5 मिनट का। अभी प्रैक्टिस करने के लिए जब हम लोग इसकी प्रैक्टिस करने के लिए जब हम आपको देंगे ना, तो बेसिकली हम लोग डे की सिर्फ डे के फर्स्ट फॉर्मेशन टाइम फ्रेम 5 मिनट रखेंगे एंड पूरे रूल्स हम इसके अंदर आपको लिख करके भी दे दिए हैं। अभी जिन्हें हमने डेली टाइम फ्रेम पर मार्किंग बता दिए करना, वो लोग अपने पॉइंट ऑफ एक्शन के पास में ही इस फॉर्मेशन को देखना। पॉइंट ऑफ एक्शन के पास में ही देखोगे आप, याद है कल शायद अमृता से डिस्कशन अपना हो रहा था, पॉइंट ऑफ एक्शन के पास में प्रैक्टिस करनी है अभी के लिए, क्योंकि प्रैक्टिस के सेशंस हैं। तो डे के फर्स्ट फॉर्मेशन के साथ में हमें चाहिए कि जहां पर भी किसी भी स्टॉक के अंदर सबसे पहली बार कोई स्टॉक अगर कोई फॉर्मेशन फॉर्म हो गई हो तो हम लोग ये फॉर्मेशन देखेंगे दिन में सबसे पहली बार जो बन रही होगी। आगे चल करके क्या करेंगे, ये डे के फर्स्ट फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाता है। हमें अब जो है वो डे की फर्स्ट फॉर्मेशन कहाँ गई, ये खत्म हमें नहीं चाहिए। अब हमें चाहिए होगा कि जहां पर पॉइंट ऑफ एक्शन हमारा फॉर्म हो रहा होगा उस जगह पर ही हमें ये फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है ना। तो डे की फर्स्ट फॉर्मेशन अभी के लिए प्रैक्टिस के सेशंस में हम लोग डे की फर्स्ट फॉर्मेशन रखते हैं। यहाँ पर अब हम कैंडल फॉर्म करते हैं। फर्स्ट कैंडल कैसी है, रेड, ठीक है। फर्स्ट कैंडल हम बना देते हैं रेड, सेकेंड कैंडल रेड ग्रीन कैसी भी हो चलेगा। अगर फर्स्ट कैंडल अपनी रेड है तो सेकेंड कैंडल हमें चाहिए होती है डाउन से अप साइड की तरफ रिजेक्शन में, एक रिजेक्टेड कैंडल चाहिए। यहाँ से रिजेक्शन जितना बड़ा होगा उतनी ही अच्छी ये कैंडल अपनी बनती है। इसके बाद में जो थर्ड कैंडल अपनी बनती है ये अपसाइड, ये पूरी फॉर्मेशन होती है।
यहां पर एक बात ये समझ में आ गई। अब एक चीज और देखिए, रिजेक्शन फर्स्ट रेट सेकेंड ये और ये वाली होगी। अब एक जो दूसरी दूसरा जो उसका फॉर्मेट बनेगा सेकंड कैंडल जो हमने लिखा था कि रेड ग्रीन कैसी भी हो चलेगा, तो चलिए सेकंड वाली हम लोग यहाँ पर कैंडल बना देते हैं। ठीक है, ये ग्रीन बन गए। थर्ड कैंडल जो अपनी होगी वो भी रेड कैंडल बनती है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, अभी अगर हम आपसे मान लीजिए पूछेंगे ना तो हो सकता है आप उसमें कन्फ्यूज हो जाओ। अब देखिए, एक जो तीसरी कैंडल हम बना दे रहे हैं इसके अंदर, तीसरी थर्ड फॉर्मेशन है, ये सेकंड कैंडल कैसी भी बट रिजेक्शन के साथ हमें चाहिए, थर्ड कैंडल में चाहिए ग्रीन। ये तीन फॉर्मेशन हमने बना दिए थे। अब इन तीनों फॉर्मेशन में अलग क्या है, कैसे ये तीनों फॉर्मेशन एक दूसरे से डिफरेंट है, कैसे पता चलेगा? देखिए, फर्स्ट फॉर्मेशन में आपको दिख रहा होगा कि इस जगह पर एक ये वाली जो कैंडल बनी ना अपनी, फर्स्ट वाली कैंडल, सेकेंड वाली कैंडल की ओपनिंग और क्लोजिंग हमारी फर्स्ट वाली कैंडल के अंदर हुई। यहाँ पर देखिए, सेकेंड वाली जो कैंडल है इसकी ओपनिंग ओपनिंग और क्लोजिंग में फर्क है कंपेरेटिवली। अगर हम फर्स्ट वाली फॉर्मेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर ओपन नीचे हुआ, प्राइस ऊपर में जाकर के क्लोज हुआ है। थर्ड वाली कैंडल आप देखोगे तो फर्स्ट और सेकेंड कैंडल में जो एक चीज नहीं हुई है कि हमारी जो थर्ड वाली कैंडल है ये फर्स्ट वाली कैंडल के अंदर ही है, यहाँ पर देखिए। लेकिन थर्ड फॉर्मेशन में ये ब्रेक हो चुका है, थर्ड कैंडल शुड बी हायर देन सेकेंड कैंडल, ये याद रखना। देखिए एक चीज हम यहाँ पर लिख देते हैं, थर्ड कैंडल शुड बी हायर देन सेकेंड कैंडल। ठीक है, थर्ड कैंडल शुड बी हायर देन सेकेंड कैंडल। एक फॉर्मेशन आपको हो सकता है मार्केट में देखने को मिले किस तरह की, एक ये बना उसके बाद में ये सेकेंड कैंडल अपनी बन गई और थर्ड कैंडल बिल्कुल आपकी फर्स्ट वाली कैंडल के अंदर ही रह जाए, ऐसा भी होगा। हम लोग इसे वैलिड नहीं मानते, ये फॉर्मेशन अपने लिए इनवैलिड होती है। हम लोग इन फॉर्मेशन को लेकर के चलते हैं आगे की तरफ। टोटल तीन तरह की फॉर्मेशन हैं, फोर्थ फॉर्मेशन इज इनवैलिड। और भी हो सकता है, जब आप प्रैक्टिस करने के लिए जब मार्केट में बैठो तो कुछ फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़े जो कि कन्फ्यूज कर दें आपको, तो वो चार्ट हमें तुरंत भेज देना एट अ टाइम और तुरंत के तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। समझ में आ गया ना, ये तीन तरह के फॉर्मेट्स होते हैं बट इन सभी फॉर्मेशन को रैक्स लाइन फॉर्मेशन बोलते हैं। अभी भी क्वेश्चन आ सकता है, रैक्स लाइन फॉर्मेशन नाम क्यों, मतलब नहीं हमको, आप किसी भी नाम से उसको निकालो, किसी भी नाम से बुलाओ। रैक्स फॉर्मेशन का एक जो वर्ड होता है, मीनिंग होता है स्ट्रेच करना, किसी भी चीज को स्ट्रेच करना, एक लैटिन वर्ड, लैटिन शब्द है ये रैक्स। आप इसको किसी भी नाम से बुलाओ, कुछ भी कर दो, ए बी सी डी, मतलब कुछ भी कर दो। जो कंपलसरी चीज है, इस फॉर्मेशन में कितनी कैंडल्स बने, उन कैंडल्स का नाम क्या होता है ना, ये बस याद रखना। मिहिर, जो चीज हम समझा रहे हैं वो तो क्लियर कर लो ना पहले, अभी आप उसी कंफ्यूजन में बैठे हुए हो कि हाई टू हाई लो टू लो मेरा मिस हो गया है। हमने पहले कह रखा किसी का कोई भी चैप्टर मिस नहीं होगा, कोई चैप्टर मिस नहीं होगा, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर आपका एक भी चैप्टर मिस हुआ, ये हमारी हमारे हमारे लिए बुरी बात होगी, कोई चैप्टर मिस नहीं होगा, इस बात से बेफिक्र रहो, सब लोग बेफिक्र रहो, ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारी गारंटी है, ये कोई चैप्टर मिस नहीं होगा आपका। आप हमें सिर्फ एक इशारा कर देना कि ये चैप्टर है मेरा मिस होना तो छोड़ दीजिए, आपको लगे कि ये चैप्टर मेरा कंफ्यूजन है, इसमें कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन तक दूर होगी। चैप्टर मिस होना तो मतलब बहुत बड़ी बात है, हो ही नहीं सकता मिस, बिल्कुल मत घबराओ उससे कि आपको कोई चैप्टर मिस हो गया कि क्या हो गया। किसी को भी अभी हम बोल रहे हैं, किसी को भी लगे कि आपको कोई चैप्टर मिस होना है, व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि फलाना चैप्टर में मिस हुआ है, तुरंत हम चैप्टर आपका आपको या तो हम रिकॉर्डिंग सेंड करेंगे, या हम कॉल करेंगे, या कुछ भी करके वो चैप्टर हम आपको कंप्लीट कराएंगे। ये तीन चीजें हो गई। अब देखिए एक चीज निकल के आ रही है कि इन्फॉर्मेशन के यूज कैसे करेंगे, यूज इन द सेंस कि अभी के प्रोस्पेक्टिव से हम लोग इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे मार्केट के अंदर। उससे पहले कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट है इन्फॉर्मेशन को लेकर के, ये समझिए। एक जो चीज होती है, आप जितने लोअर टाइम फ्रेम पर जाओगे उतनी ही कोई भी फॉर्मेशन या पर्टिकुलर वो टाइम फ्रेम आपका वीक टाइम फ्रेम होता है, कमजोर होता है, रश ज्यादा होता है उसके अंदर। आप जैसे जैसे हाई टाइम फ्रेम पर चले जाओगे रश कम होता चला जाएगा, वहां के जो ट्रैप्स हैं वो कम होते चले जाएंगे। इस वजह से लोअर टाइम फ्रेम पर जो ट्रेड करने का सिस्टम होता है ना, वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं, रिस्क होता है उसके अंदर। अभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ही करोगे, लेकिन जरूरी नहीं, ये फिक्स नहीं है कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर इसका यूज ही होगा। प्रैक्टिस 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर करना, बाद में आप चाहो तो इसका टाइम फ्रेम इंक्रीज कर सकते हो, जितना बड़ा टाइम फ्रेम उतनी ही सक्सेसफुल फॉर्मेशन।
अरे सही जगह पर आपने देख लिया उसको। फर्स्ट कैंडल अगर हमारी रेड बन रही है ना, तो इसका बेसिक सा मतलब है कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं ये मार्केट को नीचे की तरफ लेकर के आए हैं, है ना। नॉर्मल सी बात है, कोई भी ये चीज़ें समझ सकता है इजीली। रेड कैंडल है तो प्राइस हमारा नीचे की तरफ आया है। ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है ना, एक रेड कैंडल और बन रही है और प्राइस हमारा नीचे की तरफ गया, और इसने क्लोज करते करते इस तरह की फॉर्मेशन बना दी। बट अगर मार्केट क्लोज नहीं हुई होगी तो उसके पहले की फॉर्मेशन कैसी रही होंगी इसके अंदर। अगर एक रेड कैंडल है, प्राइस नीचे की तरफ गया, तो यहां से एक एक इस तरह से नीचे की तरफ आया होगा, है ना। प्राइस नीचे की तरफ आया होगा बट रिजेक्शंस मिले और प्राइस आपका ऊपर की तरफ चला गया, समझ रहे ना। प्राइस आपका नीचे की तरफ ऐसे 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 करके नीचे की तरफ आया होगा और अचानक से ऊपर की तरफ चला गया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ होगा, एक रिजेक्शन मिला होगा ना इसे, तो यहां से इस जगह से, और प्राइस बिल्कुल ऊपर की तरफ आकर के क्लोज हो गया। अब हमें जो कंफर्मेशन देते हैं वो ये ग्रीन कैंडल है, ये वाली जो कैंडल है ना, ये क्या करेगी, जो आपकी सेकंड वाली कैंडल है, थर्ड कैंडल शुड बी हायर देन सेकंड कैंडल, प्राइस इसके ऊपर की तरफ जाएगा। फर्स्ट वाली कैंडल के ऊपर निकलेगा तो भी सही है, सेकंड वाली कैंडल के ऊपर तो होना ही चाहिए, है ना। यहाँ पर आकर के आपको एक क्लोजिंग मिल जाती है यहाँ पर, तो ये क्या होता है, एक तरह से स्ट्रांगनेस दिखाता है, वीकनेस दिखाता है, क्या करता है। ये समझ में आ गया हमको कि फर्स्ट रेड है, सेकंड रिजेक्शन कैंडल बन गई, थर्ड कैंडल हमारी ग्रीन कैंडल है। तो अब इसका क्या मतलब हुआ, हम यहां से बाई कर लेंगे? नहीं, अब समझो गेम शुरू होता है यहां से। हमें क्या समझ में आएगा, अरे भाई ये तो रिजेक्शन दिख गया, एक प्राइस ऊपर की तरफ चला गया, एक काम करते हैं जैसे मार्केट ऊपर की तरफ निकली हम बाई कर लेंगे। बट इसी जगह पर आपके जो समझने वाली चीज है, जो चीजें जिन जिनसे हम लोग बेनिफिट यहां पर उठा सकते हैं, ये वाला जो स्विंग बना ना, ये आपका बन जाता है एक सपोर्ट पॉइंट, ठीक है। ये सपोर्ट एरिया बन गया। अब इस सपोर्ट के पास से क्या होगा, अगर किसी भी जगह से एक बड़ा रिजेक्शन आपको देखने को मिला है, तो उस रिजेक्शन का लोवेस्ट लो पॉइंट जो होता है वो मेरा एक बहुत अच्छा बाइंग या फिर सेलिंग का एरिया बनता है। यहां से प्राइस को अपसाइड की तरफ लेकर के गई है मार्केट, मतलब बायर्स उसको अपसाइड की तरफ लेकर के गए हैं। यहां से ऊपर से नीचे की तरफ मार्केट जब गिर रही थी ना, तो सेल 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 और सेल, यहां पर इसको बायर्स मिले और बायर ने क्या किया ना, प्राइस को ऊपर की तरफ ढकेल दिया। अब अगर मार्केट को नीचे की तरफ जाना है तो क्या करना होगा, इन बायर्स से सबसे पहले फाइट होगी। हो जाने दो, हमें पॉइंट ऑफ एक्शन भी पता है, हमें जगह भी पता है कहां पर ये फाइट हो सकती है, पॉसिबिलिटीज किधर है, पॉसिबिलिटीज इस जगह पर है, ये सपोर्ट पॉइंट्स है ना अपने, यहां पर पॉसिबिलिटीज है। कंफर्मेशन का वेट करो, जस्ट जैसे ही प्राइस आपका इस एरिया के नीचे निकले, आपको कुछ समय तक मार्केट के अंदर शॉर्ट मूव दिख सकते हैं। यहां पर हमने क्या कहा, फाइट होगी, ये नहीं कहा कि फाइट होने से पहले ही जो भी अपने बायर्स थे वो हार गए, नहीं, यहां पर बायर सेलर्स की फाइट चलेगी, जो जीतेगा उस सडन मार्केट मूव करेगी। क्यों हम ये बात बोल रहे हैं, अगर यहां से मार्केट अपसाइड की तरफ भी गई तो उसकी भी तो पॉसिबिलिटीज हमें चाहिए, कि यहां पर मान लीजिए कि सेलर्स जो हैं वो बीट नहीं कर पाए, बायर्स ही हावी रहे, तो प्राइस आपको ऊपर की तरफ चला जाएगा। अब ये वाली कैंडल पर आइए, आप इस कैंडल पर, इस वाली कैंडल पर और इस वाली कैंडल पर, जब आप लाइव मार्केट में देखोगे तो इन तीनों ही कैंडल्स में से कोई भी कैंडल एक ऐसी कैंडल होगी जो हाईएस्ट हाई लगा सकती है। जरूरी नहीं है कि फर्स्ट कैंडल ही हाईएस्ट हाई लगाएगी या थर्ड कैंडल ही हाईएस्ट हाई लगाएगी, क्योंकि ये थोड़ी सी आइडियल कंडीशन है, हम लोगों के हाथ में ड्राइंग है, माउस से सब कुछ है, तो किधर भी करके हम लोग अपनी लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, वो होता है ना कि ऑफ मार्केट आप कुछ भी करो, कोई भी स्ट्रेटजी आपकी काम कर जाएगी। जब रनिंग मार्केट होती तब समझ में आता है, अरे जो बैक टेस्ट किया था वो तो सब बैक ही रह गया, अब फ्रंट में सारी चीजें पड़ी हुई हैं। इसीलिए हम आपसे बोलते हैं कि जो भी प्रैक्टिस करो सब लाइव मार्केट में करो, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। कौन सी स्ट्रेटजी फेल हो रही है कम से कम यही आपको समझ में आ जाएगा, अदरवाइज जो स्ट्रेटजी आपकी लाइव मार्केट में फेल होने वाली है ना, बैक टेस्ट में वो भी स्ट्रेटजी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाएगी। रनिंग मार्केट में प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा तो बेनिफिट यही मिल जाता है कि जो स्ट्रेटजी काम की नहीं है वो समझ में आ जाता है कि नहीं ये काम की नहीं है, उसके बाद में जो फिल्टर हुआ उसके ऊपर हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। सेम चीज यहाँ पर, अभी हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको फर्स्ट कैंडल का ही हाई देखिए, जितनी फॉर्मेशन चार फॉर्मेशन बनाई ना उसको छोड़ दिए, तो सारी फॉर्मेशन में आपको हाई जो है वो फर्स्ट कैंडल दिखाई पड़ेगा, फर्स्ट कैंडल में। लाइव मार्केट में क्या हो सकता है, सेकेंड कैंडल या थर्ड कैंडल भी आपका हाई लगा सकती है, हमारे लिए वो हाई एज अ रेजिस्टेंस होगा, हम उस हाई को एज अ रेजिस्टेंस रिएक्ट करते हैं, ये बन जाता है रेजिस्टेंस पॉइंट। अभी जो कहानी आपकी डाउन साइड की तरफ चली थी ना बायर और सेलर्स की,
ये बन गया सपोर्ट, नीचे की तरफ जाना है तो उसको लोड तोड़ना होगा, और अगर ऊपर की तरफ जाना है तो यहाँ पर क्या कर सकती है मार्केट कि ये आपका एक रेजिस्टेंस पॉइंट है, यहाँ से प्राइस आपका नीचे की तरफ तुरंत गया था, यहाँ से मिले बाहर प्राइस आपका ऊपर की तरफ चला आया, तो यानी कि यहाँ पर सेलर्स बैठे हुए हैं। किसी भी कैंडल के हाई के ऊपर हमेशा सेलर और लो पर आपको बायर मिलेंगे। अब यहाँ पर अगर सेलर्स हैं, ये हाई बन गया एक रेजिस्टेंस पॉइंट, अब जैसे ही मार्केट ने इस जगह पर मूवमेंट दिखाना शुरू किया ना ऊपर की तरफ आ करके, यहाँ पर आप देखना कि जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तो आपको कितने प्यारे प्यारे मूव्स मिलते हैं। इन्फॉर्मेशंस का यूज करो, कुछ नहीं करते हुए आप सिर्फ इन्फॉर्मेशंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। प्रैक्टिस की कैसे जाएगी हमने बता दिया, डे के फर्स्ट फॉर्मेशन को उठा लो, उसके ऊपर आप लगाओगे अपना मार्किंग्स और स्टार्ट कर दोगे। अब देखिए एक चीज और, अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, जो हाईएस्ट हाई पॉइंट होगा वो और जो लोएस्ट लो पॉइंट होगा वो, ऊपर अभी हमने ऑलरेडी लिख ही दिया है कि हाई एज अ हाई रेजिस्टेंस और लो आपका एक सपोर्ट पॉइंट बन गया। हमारा काम ये रहता है जो कि हमने कल भी आपको बताया था, आपके लेवल के पास में प्राइस के मूवमेंट किस तरह के हो रहे हैं ये चीज ऑब्जर्व करो, सिर्फ इतना ऑब्जर्व करो और कुछ मत करना। ट्रेड आपका क्लोज है, ट्रेड हम लोग करेंगे नहीं, सिर्फ आपके लेवल के पास में प्राइजेस के मूवमेंट क्या हो रहे हैं इस चीज को ऑब्जर्व। कल मनोज जी से शायद डिस्कशन हो रहा था या फिर हाँ मनोज जी से ही हो रहा था, जिन्होंने कहा था कि तीन तरह के मूवमेंट उन्होंने देखे। सबसे पहला मूवमेंट क्या होता है कि प्राइस आपका आपके लेवल पर आकर के बिल्कुल रिस्पेक्ट करेगा, यहाँ पर आया वो बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट लेगा इस एक जगह पर। दूसरा एक जो प्राइस एक्शन बनता है कि जैसे ही सपोर्ट लिया प्राइस या तो ऊपर निकल जाएगा या तो फिर नीचे आ जाएगा। और तीसरा क्या होता है, हमें बस ये देखना है ये जो मूवमेंट्स हो रहे हैं ना इनमें क्या फर्क है, एक दूसरे से ये किस तरह से डिफरेंट है, क्योंकि वो जो कैंडल्स के मूव होते हैं ना, अभी तक के एक्सपीरियंस हमें जो समझ में आया है, कैंडल्स के मूव कुछ ना कुछ कहानी बता देते हैं, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ जाहिर करते हैं, हमें देखना होता है। अब ऐसा नहीं है कि बॉडी लैंग्वेज जो बात हम बोल रहे हैं तो जाहिर कर देते हैं, मतलब कुछ और देखना ही नहीं है। ये जो फॉर्मेशन हम आपको बता रहे हैं ना, ये एक बहाना होगा आपको मार्केट में बैठा के रखने का। कई बार ऐसा भी होता है कि फॉर्मेशन बस मार्क कर लूँ, मार्क करके हमारे पास स्क्रीनशॉट भेज दो, उनका काम खत्म हो गया। ये काम ही नहीं है आपका, आपका काम फॉर्मेशंस के मार्क होने के बाद से शुरू होता है। फॉर्मेशंस मार्क कर लेना भर और स्क्रीनशॉट हमारे पास भेज देना ये काम नहीं है। फॉर्मेशंस जहां पर भी दिख रहे हैं मार्क कर लो। अब आपके मार्क किए हुए लेवल के ऊपर, आपके ड्रॉ किए हुए लेवल के ऊपर प्राइस के जो मूवमेंट हो रहे हैं ये आप देखो, आप समझो क्या हो सकता है, उसमें हम करेंगे मदद, मेरी जो भी हेल्प लगेगी उसमें हम करेंगे। इस तरह से हम लोगों को मूवमेंट समझ में आएंगे, डायरेक्शन समझ में आएंगे। पूरे वीक का आपका यही काम रहेगा, इस एक फॉर्मेशन को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर डालो, है ना, इस एक फॉर्मेशन को जितना हो सके प्रैक्टिस कर डालो। अभी चार्ट के ऊपर चलते हैं और इसके कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, कहीं पर भी ले लो आप। चलिए हम इसी को ले लेते हैं, ये स्टॉक ले लेते हैं, विप्रो है। सिर्फ डे की फर्स्ट फॉर्मेशन देखनी जहां पर रेक्स लाइन फॉर्म हुई हो, फर्स्ट कैंडल, हाँ नहीं सही है, सही है, सही ठीक है। ये अभी जो इस वक्त विप्रो के अंदर जो फॉर्मेट बना है ये हमने आपको दिखाया है, रेड रेड ग्रीन, उसके अंदर जस्ट इसका अपोजिट है, वाइस वर्सा कर देना है, एक तो बुलिश हो गया एक बेरिश हो गया, एक तरह की फॉर्मेशन होगी इसका जस्ट आप अपोजिट करोगे, बुलिश बेरिश जैसा कुछ नहीं है, एक ये आपकी एक फॉर्मेशन होगी इसका जस्ट अपोजिट वो दूसरी फॉर्मेशन जो अभी हम लोग को विप्रो में दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर देखिए ये बनी ना, एक ग्रीन कैंडल, एक रिजेक्शन, और कहाँ पर यहाँ भी देखिए बनी है ग्रीन कैंडल, रिजेक्शन, रेड कैंडल, डे की फर्स्ट फॉर्मेशन समझ में आ गई ये है। अब ये पिन बार जितनी बड़ी होगी उतनी ही अच्छी फॉर्मेशन आपको दिखाई पड़ेगी। हमें क्या करना है, सिर्फ हाईएस्ट हाई मार्क कर लेना है और एक लोवेस्ट लो पॉइंट मार्क कर लेना है, सिर्फ पूरे दिन हम इसको देखते रहेंगे पूरे दिन। आपने जो एरिया ड्रॉ किया, जो हाई ड्रॉ किया, वो कितनी अच्छी तरह से रिएक्ट हुआ है, रेजिस्टेंस बना है और कितनी अच्छी तरह से सपोर्ट में कन्वर्ट हुआ। एक जो प्रॉब्लम आती है ना कि मार्किंग कर लेने के बाद में अभी रीडिंग हम लोग कैसे करें, या रीडिंग करें तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से, शुरुआत कहाँ से होगी, यहां से शुरुआत होगी, यहां से पकड़ लो, यहां से इसे पकड़ लो और यहां से रीडिंग करना शुरू। अब जो भी मूवमेंट आपको आपकी लाइन के पास में दिखेगा ना, सारी रीडिंग स्किल्स अपनी यहीं पर लगाओ, बाकी जितनी भी जगह आपके स्टॉक में बचेंगे ना, ये वाली ये आपके काम की नहीं है, ये हमें नहीं देखना है।
हमारे काम की जगह सिर्फ ये दो ग्रीन कैंडल है, थोड़ा सा बफर डाल देना, जैसे कि 431.75 है तो 20-30 पैसे ऊपर 20-30 पैसे नीचे ऐसे डाल देते हैं, तो दो लाइन रख देते हैं यहाँ पर। तो ये आपका रीडिंग करने के पॉइंट निकल आए, क्लियर ना? और उठा लो कोई स्टॉक, आप सिग्निफिकेशन समझ में आ जाएंगे। आर्थिक इंडस्ट्रीज देखा, यहाँ पर डे की फर्स्ट फॉर्मेशन ये वाली है। वही एक चीज इग्नोर कर देने वाली होती है कोई स्टॉक अगर मॉर्निंग में, हमको फिलहाल ये सारी चीजें हम आगे चल करके बताएंगे आपको। दूसरा अठाई अडानी है। अडानी में डे की फर्स्ट फॉर्मेशन कहाँ पर बनी है? 1 2 3 ये लीजिए, यहीं पर बन गई। 1 2 3, 1 2 3 हाई, आपको रीड करने की जगह मिल गई। कहाँ से रीडिंग करनी है? एक होता है ना कि प्राइस की शुरुआत कहाँ से होगी, वरना ऐसे तो आपको प्राइस पूरे दिन कहीं ना कहीं से मूवमेंट तो दिखाई पड़ जाएगी, इस तरह से ऐसे 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 करता हो प्राइस आपको दिखाई पड़ जाएगा ना, वो तो चल रहा है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा? इसके ऊपर काफी लोग गौर नहीं करते, काफी लोग की ज्यादातर लोग गौर नहीं करते जो एक्चुअली मार्केट में काम करें ना, उनको समझ में आता है जब इतना सारा मूवमेंट चल रहा है या क्या हो रहा है। हेलो, तो आवाज आ रही मेरी? हेलो, हाँ सर मेरी आ रही। हाँ सर, सॉरी सर, क्या बोल रहे हैं आप? एग्जाम्पल जो आपने दिया था ना स्ट्रक्चर में, उसमें आपने ये बताया था कि फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, उसके अंदर ही क्लोजिंग करनी चाहिए, बीच वाली कैंडल भी और उसके बाद जो तीसरी कैंडल बन रही है वो भी फर्स्ट के अंदर ही होनी चाहिए। और एग्जाम्पल जो आपके थे भी चार्ट में, वो उसमें फर्स्ट कैंडल ब्रेक हो रही थी सर, तो एग्जाम्पल मेरे को ऐसे दिखे उसमें विप्रो में, तो वो कंफ्यूजन हो गया सर कि अभी तो व्हाइट बोर्ड की सारी ड्रॉइंग्स आपके रिमूव हो चुकी होंगी अभी, लेकिन जब हम रिकॉर्डिंग शेयर करेंगे ना, जब हम रिकॉर्डिंग देंगे आपको, तो रिकॉर्डिंग आप एक बार फिर से देख लेना। हाँ सर, कोई बात नहीं। जो फर्स्ट वाली कैंडल है, सिर्फ एक चीज हमने उसके अंदर एक रूल ये लिखा था कि थर्ड कैंडल हायर देन सेकंड कैंडल, उसमें ऐसा कोई हाँ। रूल नहीं था कि फर्स्ट कैंडल का हाई ब्रेक नहीं होना चाहिए, फर्स्ट कैंडल के अंदर ही प्राइस रहेगा। ज्यादा जो थर्ड फॉर्मेशन हमने यहाँ कॉर्नर में बनाई थी, उसमें थर्ड वाली कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल से ऊपर निकल चुका था, है ना, वो भी कंसिडर करेंगे। बस सेकंड वाली कैंडल के अंदर प्राइस नहीं होना चाहिए, सेकंड वाली कैंडल के बाहर प्राइस चाहे जहां भी जाए, वो फर्स्ट कैंडल के चाहे जितना ऊपर चला जाए हम लोग ले लेंगे। अभी जो बात हम बोल रहे थे कि एक पूरे दिन में प्राइस ऐसे 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 करके वो कितना भी मूव करता रहेगा। अब हमें ये कैसे समझ में आएगा कि हम प्राइस की रीडिंग यहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, इस जगह से शुरू करें, यहाँ से शुरू करें, कहाँ से करें? ये जो फॉर्मेशन पता है आपकी जो हेल्प करेंगी सबसे ज्यादा, वो उस जगह को तलाश करने में आपकी मदद कर देंगी। कहाँ से करनी है? 1 और 2 यहाँ से करो। जब भी प्राइस आपका इस जगह पर आए ना, अपनी रीडिंग स्टार्ट करो। एक्सपेक्टेड स्विंग हाई या एक्सपेक्टेड स्विंग लो आपको मिल जाएगा, और रीड करने के लिए इतना काफी है। स्विंग वाले जितनी जगह होती है ना, इनको जो साइडवे मार्केट है ना, उसमें मजा नहीं आता फिर, उसमें डिस्टर्बेंस हो जाती है। यहाँ पर देखिए, ये बनी ना, ये डे की फर्स्ट फॉर्मेशन है, रेड रेड फर्स्ट कैंडल, बस सेकंड वाली कैंडल के अंदर ना रहे मार्केट, ऊपर जा रही है, हम मार्क कर लेंगे उसको। लो हमारा एक बन जाएगा, सबसे ज्यादा जो चहल होगी वो इसी जगह पर होगी, इस एक जगह बन गया सपोर्ट। हमने तो कुछ मार्क नहीं किया, हमें तो ये भी नहीं पता है कि ये डे लो है हमारा या डे हाई है, हमें कुछ नहीं मालूम। हम सिर्फ अपनी फॉर्मेशन के स्विंग को मार्क कर, और एक पॉसिबिलिटीज हमें ये समझ में आ रही है कि ये अपना एक स्विंग एरिया बन रहा है। अगर हमें ये पता है कि इस फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा ये पॉइंट हमारा स्विंग बन सकता है, तो यहाँ पर तो हम एक्शन ले सकते हैं ना, रिलायबल है, इस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। ऐसे नहीं कि हमने बता दिया और ट्रस्ट कर लिया, पूरे हफ्ते आप इसकी प्रैक्टिस करोगे, आपको भी लगेगा कि हाँ जो चीज़ बताई ये समझ में आ रही है, हम लोग काम कर सकते हैं उसके ऊपर, आगे निकल जाओ बस, फिर कुछ नहीं सोचना है। लेकिन कम से कम 150-200 स्टॉक के ऊपर इसकी प्रैक्टिस करो जम के, और कुछ मत देखो। और देख लो आप अडानी को, और देखो ये कौन सा है, एबी कैपिटल है। एबी कैपिटल लास्ट वीक दिया था ट्रेड, नहीं 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 लास्ट वीक नहीं दिया, नहीं ये नहीं, यहाँ देखिए ये इनवैलिड फॉर्मेशन है, फर्स्ट कैंडल रेड ग्रीन, यहाँ पर देखिए पेन बार भी मिल रही है, लेकिन थर्ड वाली कैंडल जो है वो फर्स्ट वाली कैंडल के अंदर ही है। अब देखें फर्स्ट फॉर्मेशन कहाँ पर बन रही है, डे की फर्स्ट फॉर्मेशन, ये भी नहीं, यहाँ कहीं नहीं, आगे चल करके बनी है, यहाँ पर भी देखिए इनवैलिड ही है, नहीं इस जगह पर कहीं नहीं, यहाँ पर उठा लीजिए, ये देखिए हाई एज अ रेजिस्टेंस, इधर तो कहीं है नहीं, कहीं नहीं, ये देखिए हाई एज अ रेजिस्टेंस पॉइंट, लो लोवेस्ट लो पॉइंट एज अ सपोर्ट पॉइंट। कोई भी स्टॉक उठाओ, सिर्फ डे के फर्स्ट फॉर्मेशन पर ध्यान रखना। ये क्या है, अमला राजा बैठ, एंजल वन मंडे के लिए यही लेवल निकाल करके रखना अपने पास, ये सपोर्ट बनेगा, सिर्फ इस फॉर्मेशन की ही वजह से नहीं, यहाँ पर प्रीवियस भी रेजिस्टेंस है कई सारे।
उसके ऊपर क्लोजिंग होंगे, नीचे की तरफ आते तो ये आपका सपोर्ट बन जाएगा। अब एक काम करना है, इन्फॉर्मेशन की मार्किंग करके हमें सेंड कर देना आप लोग, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन वगैरह है तो। चलिए माइक हम अनम्यूट करते हैं, हैंड रेस कर दीजिए अपना अगर कुछ क्वेश्चन इस फॉर्मेशन को लेकर के, पर्टिकुलर आज के फॉर्मेशन को लेकर के, अगर इसके अलावा कोई डाउट है तो वो नहीं, डेक्सलैंड को लेकर के कोई भी क्वेश्चन है तो उसको क्लियर कर लीजिए। विकास माइक अनम्यूट कीजिए, विकास माइक अनम्यूट कीजिए अपना। जी विकास सर बोलिए। सर इसमें आपने सर वो एक चीज थोड़ी कंफ्यूजन में है आपने कहा, जैसे इसकी फॉर्मेशन का अगर अपोजिट बन जाए उल्टा, वो नहीं समझ पाया सर चार्ट पे। जो ग्राफ में हमने बताया था आपको, एक रेड कैंडल, दूसरी एक रिजेक्शन, तीसरी ये वाली कैंडल, ये तो समझ में आ गई ना। इसका आप अपोजिट कर दोगे तो सबसे पहली कैंडल कौन सी बनेगी आपकी, ग्रीन। ग्रीन के बाद हमें चाहिए होता है एक हाई, हायर हाई, ऐसा प्राइस ऊपर जा रहा हो और डायरेक्ट इसको एक रिजेक्शन मिल गया हो और प्राइस आपका नीचे आ गया सीधे, तो ये कैंडल हो सकता है आपकी रेड भी बन जाए और ग्रीन भी बन जाए, बट ये जहां तक भी मूव करेगी वहां पर एक रिजेक्शन दिखा देगी जैसा यहाँ पर हुआ था। अब रिजेक्शन दिखा देने के बाद प्राइस आपका सीधे सेकेंड वाली कैंडल को ब्रेक करके नीचे चला जाएगा, तो ये अपोजिट फॉर्मेशन बन गई। समझ गए, क्लियर ना। अभी तो एग्जांपल तो हमने इनका इस वाली फॉर्मेशन का भी दिया और इस वाली फॉर्मेशन का भी दिया। हाँ ये भी ये सर बिफोर बताया था अपोजिट वाला, उसी में थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। बस थर्ड वाली कैंडल सेकंड कैंडल के ऊपर निकली हुई हो, अगर इस वाली कैंडल के अंदर रहेगी तो ये इनवैलिड हो जाएगा, और सेकंड वाली कैंडल में जितनी अच्छी रिजेक्शन होगा आपको दिखेगा उतना ही अच्छा स्विंग क्रिएट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे उसके अंदर। सही जगह पे फॉर्म होना बड़ा जरूरी होता है इसमें, सिर्फ इसी में नहीं जितनी भी फॉर्मेशन है सारी। अब ये हाई देखिए रेजिस्टेंस बनेगा, ग्रीन रेड और रेड है ना, आपका लो पॉइंट कौन सा बनेगा, ये वाला एरिया आपको लो पॉइंट बनता है। आगे क्या होने वाला है, क्या है सारी रीडिंग बस आप इस इन दो जगह से ही करोगे, बाकी जितना भी आपको ब्लैंक स्पेस दिख रहा है ना व्हाइट कलर का, इन दो लाइंस के अलावा छोड़ दो, वहां पर आपको कुछ नहीं करना है। एक्सपेक्टेशन सबसे ज्यादा हाई है इसके पास मूव होने के, वो या तो ये वाली लाइन है या तो ये वाली लाइन है, बस यहीं से अपनी रीडिंग करो। आधी रीडिंग तो हो गई, बचा कुचा काम आप करिए। आधी रीडिंग आपने इन्फॉर्मेशन के थ्रू कर ली, एक एक्सपेक्टेड लेवल निकाल दिया, अब इन लेवल्स के पास में जब प्राइस आएगा तो देखो क्या हो रहा है। इतना काम में करके दो आप। मानस माइक अनम्यूट कीजिए। जी मानस सर, जब आप बोलते हो कि सेकंड कैंडल को रिजेक्शन होना चाहिए, सेकंड कैंडल हैज टू बी अ रिजेक्शन कैंडल, सो उसमें अगर हम लोग फर्स्ट कैंडल अगर हमारा रेड है तो सेकंड कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल के लो को ब्रीच करके फिर वापस ऊपर आना चाहिए। हाँ आ सकता है। नहीं सर, मतलब मेरा क्वेश्चन ऐसा है, आप कंसिडर करो फर्स्ट कैंडल रेड है और नेक्स्ट कैंडल ग्रीन है, बट वो ग्रीन कैंडल ने ब्रेक नहीं किया है लो रेड कैंडल का, अच्छा तो उसे हम रिजेक्शन मानेंगे ये किस, और थर्ड कैंडल भी एज पर कंडीशन है सेकंड कैंडल के ऊपर है, बट मतलब सेकंड कैंडल एक काइंड ऑफ इनसाइड कैंडल है। नहीं, इनसाइड कैंडल को नहीं लेते हैं, हमें रिजेक्शन चाहिए होता है। रिजेक्शन चाहिए ही चाहिए, अगर रिजेक्शन नहीं तो फिर यहाँ का मतलब नहीं बनता। मतलब सर लो ब्रेक करना ही है, मतलब इन केस ग्रीन कैंडल है तो उसका हाई ब्रेक करना जरूरी होगा और रेड कैंडल है तो लो ब्रेक करना। हाँ वो तो मिल जाएगा, उसमें ऐसा कुछ वो नहीं होगा, मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे। अगर आप रिजेक्शन फाइंड कर रहे हो किसी भी कैंडल का तो ऑब्वियस वो हाई या लो कुछ तो ब्रेक किया हुआ ही होगा। सर तो अभी फिलहाल इसी चार्ट पे, जो चार्ट पे आप देख रहे हो, तो अराउंड 3:15 भी एक फॉर्मेशन, मतलब 3 बजे वाला फॉर्मेशन है प्रीवियस डे में, प्रीवियस हाँ सर पीछे पीछे ही था सर ये वाला। हाँ ये सर, ये फॉर्मेशन वैलिड है राइट? हाँ वैलिड है, एज अ फॉर्मेशन ही वैलिड। ओके वैलिड फॉर्मेशन। ओके सर, थैंक यू। शायद सर मैं कनेक्ट कीजिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, जो आपने समझाया ये सारा ये तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन आपने कहा था इसके वॉल्यूम्स की बात हम कॉल पे करेंगे, बात तो इसमें कोई वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम अभी तो हमने बताया ना रेक्स लाइन फॉर्मेशन में वॉल्यूम का कोई रोल नहीं होगा। ठीक है सर। और सर जो बुलिश टॉप और बुलिश बॉटम बताया था उसमें भी वॉल्यूम की बात आपने कहा था, वो कॉल पर होती है, तो उसके लिए हमें कब कॉल करना होगा सर? अभी नहीं अभी नहीं, अभी तो जो काम आपके पास है वो करिए, वो तो कॉल जब सारा ट्रेड वगैरह डिस्कस हो जाता है, ट्रेड भी एग्जीक्यूट करने लग जाओगे आप तब होता है। अच्छा ठीक है सर, ठीक है समझ गए। अजय जी मैं कमेंट कीजिए। अजय अजय साहब मैं कमेंट कीजिए। सर नमस्ते, मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं है सर, आई एम गुड। ठीक है, नहीं तो समझ में आ रहा ना जो भी चीजें हो रही हैं एक्सप्लेन? यस 100%। ठीक है, कुछ भी रहता है तो आप हमको कॉल कीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, नहीं तो फिर क्लास में भी तो क्वेश्चन तो कर ही सकता हूँ। डेफिनेटली सर, बेझिझक। यस ओके। राहुल मैं कम कीजिए। सर ये कोई भी टाइम पर हो सकती है ना, तो जो भी टाइम पर होगा या कोई भी स्टॉक में होगा तो वो हमें आइडेंटिफाई करके आपसे
बराबर राहुल, अभी हमने क्या लिखा था, ना। प्रैक्टिस करने के लिए आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम का ही यूज करोगे, शुरुआत में ये चीज फिक्स कर दोगे। नहीं मतलब कोई भी टाइम पे, मतलब दिन में कभी भी, हाँ सुबह के 9 बजे से लेके 3:30 बजे। हाँ लेकिन दिन की सबसे पहली फॉर्मेशन, बाद में अगर कोई बन रही तो छोड़ देना उसको। हाँ वो ठीक है, वो समझा। वैभव कन्वर्ट कीजिए। हेलो सर। जी वैभव सर। हाँ सर, मतलब मुझे सब समझ में आ गया, सिर्फ ये क्लास को लेके ये था डाउट। क्या मतलब आज रात को क्लास होने वाली है क्या? नहीं, आज रात को नहीं होगी, इसीलिए तो अभी कर रहे हैं। ओके ओके सर। ओके, तो आई होप कि जो भी चीज़ें हमने समझाई या बताई हैं वो सारी आप लोगों को क्लियर हैं। प्रैक्टिस करिएगा और स्क्रीनशॉट हमें आप लगातार अपने सेंड करते रहिएगा।